उन वीरों की जय जिसने सूली को सिंहासन समझा, उन वीरों की जय जिसने सूली को सिंहासन समझा, हथकड़ी बेड़ियों को जिसने यौवन का आभूषण समझा, हथकड़ी बेड़ियों को जिसने यौवन का आभूषण समझा। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी मेरे मुख से आपने कुछ पंक्तियां सुनी, उसके केंद्र में एक शब्द आया यौवन। यौवन अर्थात युवावस्था, यौवन अर्थात जवानी, अर्थात दृढ़ इच्छा शक्ति, अर्थात जोश, अर्थात असंभव को संभव में बदल देने वाली वो शक्ति जिसे हम और आप युवा शक्ति कहते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने और आपने माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी शीर्षक कविता का एक अंश पढ़ा था, जिसमें कवि युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको सचेत कर रहे हैं कि जब पूरी सृष्टि चलायमान है, हम सब सारे नक्षत्र और सभी प्रकृति के जितने भी चीजें हैं, उपादान हैं, सब गतिशील हैं, तो तुम कैसे ठहर सकते हो। यहां तक बच्चों हमने और आपने पिछली कक्षा में पढ़ा। आज इस कक्षा में हम उस विषय से जुड़ चुके हैं, हमने एक भाग पिछली कक्षा में पढ़ा, आज पुनः उस कविता के शेष अंश हम और आप पढ़ेंगे। आइए बच्चों, चलते हैं, अध्ययन को गति प्रदान करते हैं और विषय से आपको जोड़ती हूं। देखें परिचय। वैसे तो बच्चों आप सभी परिचित हो चुके हैं, पिछली कक्षा में आपने ये जान लिया था, समझ लिया था, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः परिचय एक बार और आपके समक्ष ध्यान दें। शीर्षक जवानी भाग दो, हमने एक अंश पढ़ा था, भाग दो कहने का मतलब आज जो शेष है वो हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी। भाषा वही सरल सहज खड़ी बोली जो हमारी है, जो आपकी है। शैली उद्बोधन, कवि ने उद्बोधित किया है, सचेत किया है, युवकों को जगाया है। रस वीर गुण ओज और कविता जो है वो हिमकिरीटिनी नामक काव्य से संग्रहित है। बच्चों ये जानकारी आपको पहले भी दी जा चुकी है और आज पुनः मैंने दिया। कवि परिचय से आप परिचित हो चुके हैं पिछली कक्षा में, इसलिए सीधे सीधे आपको अब मैं विषय की ओर ले चलती हूँ। इस कविता से जुड़ते हैं जिसका एक अंश हम और आप पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं इन पंक्तियों में कवि फिर क्या कहना चाहते हैं। कवि प्रयास कर रहे हैं, कवि कर्म ही होता है, साहित्य का धर्म ही होता है कि जो युग की जरूरत है, जो प्रासंगिकता है, वो उसे पहचान के रचा जाए, लिखा जाए। और कवि की ये जो सर्जना है उस वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए है, जिस समय किसी भी युवक को आलस्य नहीं करना चाहिए था, वो परिस्थितियां ऐसी रहीं कि इस रचना की अति आवश्यकता थी। और कवि तो भारतीय आत्मा है, उन्होंने तो यही सब लिखा। अब आइए देखते हैं कि उनकी आत्मा क्यों छटपटाई, क्यों ये जवानी शीर्षक कविता उन्होंने लिखी, क्या कहना चाहते हैं आगे युवकों से। आइए बच्चों हम और आप पढ़ते हैं, आए पाठ की तरफ चलते हैं। कवि क्या कहते हैं, द्वार बल का खोल चल भूडोल कर दें। ध्यान दें बच्चों, पाठ का विशेष महत्व होता है। द्वार बल का खोल चल भूडोल कर दें, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दें। क्या भाव है बच्चों पंक्तियों में, पूरी कविता ये पूरे अंश पढ़कर मैं अर्थ व्यक्त करूंगी। अभी आप इस कविता का आनंद लें, इसे बार बार दोहराएं, दो बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें, तभी अर्थ खुलते हैं। कवि कहते हैं, द्वार बल का खोल चल भूडोल कर दें, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दें। मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेली है कि दुनिया गोल कर दें। ध्यान दे बच्चों कि कवि ने क्या भाव भर दिया है इन पंक्तियों में, बस पढ़ते ही इसमें रस निकलने लग रहा है और ओज वो महसूस हो रहा है नसों में फड़कता हुआ सा कि कवि किस तरह जगा रहे हैं। कवि और क्या कहते हैं, रक्त है, प्रश्नवाचक, ध्यान दे बच्चों, रक्त है या है नसों में छुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। बच्चों हम सभी जानते हैं कि हमारी नसों में रक्त है, लेकिन क्या वो रक्त मातृभूमि का, अपनी जन्मभूमि का अपमान होते हुए देख, उसकी पीड़ा को देख उबलता है, खौलता है,
अगर नहीं तो फिर वो क्या है, आइए कवि के शब्दों में हम और आप जानें कि कब युवाओं को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे। हे युवाओं, तुम बलिदान का एक नया मार्ग खोल दो, तुम एक ऐसा रास्ता बना दो, एक ऐसा रूप ला दो समाज के समक्ष कि ऐसा लगे कि तुमने ये बलिदान का, वो बलिदान किस लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, कि तुम मातृभूमि पर ऐसा चलो, अपने शीश को इस तरह कटाओ कि एक बलिदान के लिए तुमने एक रास्ता बना दिया हो कि अब हमें अपने देश की रक्षा के लिए इसी राह पर चलना है, और तुम अपने शीश अर्पित करो, तुम्हारे अंदर उत्साह उमंग और ऊर्जा ऐसी हो कि लगे पृथ्वी कंपित हो गई है हमारे जोश से, क्योंकि ये जवानी की बात की जा रही है, यहाँ युवाओं की बात की जा रही है। कवि आगे भी कहते हैं, एक हिमगिर एक सिर का मूल कर दे, कि तुम्हें रुकना नहीं है, तुमने जो बलिदान का रास्ता बना दिया है उस पे रुकना नहीं, बस चलते चलते और चलते ही जाना है, और एक हिमगिर एक सिर का मूल कर दे, कि तुम्हें हिमालय के एक एक कण के लिए एक एक शीश अर्पित करना पड़े तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अपितु आगे बढ़कर अपने शीश अर्पित कर देना है, मसल कर अपने इरादों से उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। देखिए बच्चों कितना अच्छा भाव, हम और आप जानते हैं सारी दुनिया, बस इन्हीं दो भुजाओं में हम सारी दुनिया का सुख सारा वैभव इन्हीं से अर्जित करते हैं, इन्हीं में आह्लादित होते हैं, इन्हीं में समाहित कर सकते हैं। कवि ने जगाया, कवि कहते हैं दो हथेली है कि जब तुम्हारे पास दो हाथ हैं तो इन हाथों की तरह अपने इरादों को, अपने अरमानों को, अपनी इच्छाओं को तुम प्रबल कर दो, इतना ऊंचा उठा दो, और जब दो हथेलियां हैं तो अगर तुम चाह लो तो तुम इस पृथ्वी के आकार को, स्वरूप को भी बदल कर सकते हो। गोल करने का मतलब कि तुम इसके स्वरूप को बदलने की क्षमता रखते हो। कब यहां तक आपको जगा रहे हैं, अगली पंक्तियों में देखें कभी और क्या कहते हैं। कब इतने पर भी संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कहीं मेरे प्रयास में कोई चूक न हो जाए, मैं भारतीय आत्मा हूं, कहीं मेरी भारतीयता खंडित न हो, कहीं मेरा प्रयास, मेरे कर्म पूरी तरह से न हो पाए, विफल न हो जाए। ये पीड़ा कवि की है जो बार बार अगली अगली और अगली पंक्तियों में उनसे बार बार कहलवाती है, ताकि एक भी युवक ऐसा ना हो जो जग न पाए कवि के शब्दों से। और यही बच्चों कविता का मर्म है, यही इस कविता में है, और यही कवि का धर्म है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, रक्त है प्रश्नवाचक या है नसों में क्षुद्र पानी। कवि कहते हैं, हे युवाओं, तुम जांच लो, तुम परख लो, तुम जान लो कि तुम्हारी नसों में क्या है, क्या उसमें रक्त है। अगर वो खौलता नहीं है दुश्मनों को देखकर, अगर वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ता है, उसमें वो चमक, वो गर्मी खत्म हो गई है, तो वो कैसा है, वो क्षुद्र पानी। बच्चों इस पे ध्यान दें, पानी नहीं, जल तो जीवन है, पानी नहीं कवि ने कहा, क्षुद्र पानी। पानी के स्वरूप में भी देखें कि कवि कहते हैं कि अगर ये रक्त तुम्हारा खौलता नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे नसों में पानी है, कैसा, निम्न कोटि का क्षुद्र। जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। और कवि कहते हैं कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी नसों में रक्त ही है तो इसकी जांच तुम कर सकते हो, इसकी परीक्षा ले सकते हो। कैसे, तुम अपने शीश अर्पित करके मातृभूमि को जांच सकते हो कि क्या तुम जवानी हो, क्या तुम जवान हो, क्या तुम्हारी नसों में रक्त है, क्या। आहा, अद्भुत भाव है बच्चों इन पंक्तियों में, कवि ने अद्भुत व्यंजना की, हम और आप इससे परिचित हुए। आगे आइए बच्चों, अब हम पठित अंश के काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं, ये आपके समक्ष। ध्यान दे बच्चों, इसमें कवि ने क्या क्या बताया। कवि के अनुसार युवक अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ बदल सकते हैं, मतलब सब कुछ, आप कुछ भी जीवन में असंभव फिर रह नहीं जाता। कवि द्वारा नव युवकों में उत्साह का संचार किया गया है। भाषा विषय के अनुकूल शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, रसवीर गुणओज और शब्द शक्ति जो है वो व्यंजना है। अलंकार अपने इरादों सी उठाकर में उपमा तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास। बच्चों आपको पहले भी बताया गया है, आप जानते हैं कि जब समानता बताई जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अपने इरादों सी, इरादों के समान, तो यहां समानता बताई गई है इसलिए इसमें
उपमा अलंकार है और पूरे पद में अनुप्रास आया है। एक एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। छंद तुकांत मुक्त। आइए अब अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। विस्तृत है कविता, बड़ी है, कवि के हृदयगत भाव बहुत सारे हैं और उन्होंने उसे प्रस्तुत किया है सिर्फ आपको जगाने के लिए, सचेत करने के लिए और अपने कर्म से जुड़ने के लिए। आइए देखते हैं बच्चों कि अब कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के माध्यम से युवाओं को जगाया है। ध्यान दे बच्चों, क्या है, पाठ की तरफ चलते हैं। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह से अरमान आया। ध्यान दे बच्चों, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल, देख आली मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। क्या बात है, फल दिए प्रश्नवाचक है बच्चों या सिर दिए। तरु की कहानी गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। बच्चों देखो कि जो हम और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे कर्म जैसे होते हैं हमारी यश और हमारी कीर्ति भी वैसे ही होती है। कवि यहां संबोधित कर रहे हैं, युवकों को बार बार जगा रहे हैं और अब उन्होंने प्रकृति का उदाहरण दिया। कवि कहते हैं कि हे युवाओं, हे युवकों, तुम देखो वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। आप जानते हैं कि पहले कली होती है, फिर फूल खिलता है और फिर वो पत्तियां झड़ती हैं और फल के रूप में हमारे सामने एक मिठास आती है। तो कवि कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है प्रकृति की फूल से फल बनने की, ये क्या है। कवि कह रहे हैं कि ये आपको यानी युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि कली के गर्भ से अगर एक अरमान के रूप में फल निकलता है, देख तो मीठा इरादा किस तरह से अरमान आया, कि तुम देखो कि किस तरह जो इरादे हैं वो एक मिठास के साथ, एक प्रसन्नता के साथ सिरताने हुए फल के रूप में बाहर आ रहे हैं। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल, कि जो डालियां हैं उन्होंने क्या किया, जब उनपे फल आ गए तो वो झुक गई। कहां, आप ध्यान दें, डालियों ने भूमि रुख, कि जब फल आ गए तो डालियों का रुख क्या हो गया, वो भूमि की तरफ हो गया। भूमि रुख लटका दिए फल, क्यों हुआ, क्योंकि उन्हें अपना फल जो है वो भूमि को अर्पित करना है, वो उपहार प्रदान करना चाह रहे हैं, वो अपनी इच्छा अपनी आकांक्षा बताना चाह रहे हैं कि मैं भी मातृभूमि के प्रति समर्पित हूं, जो कर्तव्य जो दायित्व मेरे हैं वो मैं भी कर रही हूं कर रहा हूं। तो जब प्रकृति के सारे उपादान ये कर रहे हैं तो हे युवाओं तुम कैसे चुप बैठ सकते हो, तुम आलस्य कैसे कर सकते हो। आगे भी देखें क्या कह रहे हैं कवि, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल, देखा ली मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। ध्यान दे बच्चों कि कवि कहते हैं ये डालियां फल तो दे रही हैं, लेकिन फल के साथ साथ हे युवाओं ये तुम्हें एक संदेश दे रही हैं, तुम्हें जगा रही हैं, क्योंकि ये तुम्हें सिखा रही हैं कि हमने तो फल दे दिया है, अब तुम्हारा दायित्व है तुम मातृभूमि को अपने शीश अर्पित कर दो। फल दिए या सिर दिए, ध्यान दीजिए, डालियां फल दे रही हैं, हम और आप या जो युवा हैं, जो वीर हैं, जो सैनिक हैं, वो क्या देंगे, शीश देंगे। तो कवि कहते हैं कि फल दिए या तरु दिए बराबर है, कि उन्होंने तरुओं ने क्या दिया, उन्होंने क्या दिया, फल दे दिया, क्योंकि उनके पास वही है, उन्हें वही देना है, वो मिठास वो प्रेरणा के रूप में दे रहे हैं, और हम और आप क्या दे सकते हैं, अपना मस्तक अपना शीश। तो कवि कहते हैं कि तरु की इस कहानी को हे युवाओं अगर तुम चाहो तो स्वयं में गूंथ कर अपनी प्रेरणा अपने इरादों में पिरो कर एक नई कहानी बनाकर तुम समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हो, जिससे ये पता चले कि वास्तव में तुम जवानी हो, तुम जवानी हो, तुम्हारे अंदर जवानी है, तुम में वो खून है वो यौवन है जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो सकता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। बहुत सारी बातें आप इसमें पहले ही जान गए हैं, जैसे कि रस छंद, ये सारी चीजें आप जान गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंश आप ध्यान दें काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत, कि इस भाग के अंतर्गत आपने क्या जाना। प्रस्तुत अंश द्वारा कवि युवाओं को यह संदेश देते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, उसी प्रकार उन्हें भी अपनी जवानी पर हित में लगानी चाहिए।
भाषा वही खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, रसवीर गुणोज, शब्द शक्ति व्यंजना, अलंकार, अनुप्रास, उपमा और रूपक, छंद वही मुक्त दुकान। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं कि अब कवि क्या कहना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, उदाहरण हमारे और आपके घर परिवार और समाज से ही है, जिसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। भाषा आपकी है, हमारी है, कविता वही है जो अभी हम पढ़ रहे थे, जिसमें जवानी शब्द को कवि ने पागल कहा है, मतवाला कहा है, अरी कहा है। इन शब्दों में निहितार्थ को आप समझें। अब कवि क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में, आइए बच्चों पढ़ते हैं और जानते हैं। कवि कहते हैं, श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है। ध्यान दे बच्चों, बहुत बड़ी बात इन पंक्तियों में कवि ने कह दी कि सिर तो कुत्ते का भी होता है, लेकिन उसे तो कोई नहीं कहता कि वो अर्पित करे। तो आप विशिष्ट हैं, आप क्या हैं, अपने सिर के मूल को पहचाने कि कुत्ते के भी सिर होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो किसी का चरण चाटता है, वो पैर ही चाटता है, वो पैरों में ही बैठता है। भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है? कुत्ता तो सिर्फ भौंक सकता है, लेकिन वो कभी सिंह के समान गर्जना नहीं कर सकता, वो उसे डरा नहीं सकता। कवि आपको आगाह कर रहे हैं कि तुम सिंह हो, तुम अपने महत्व को पहचानो, तुम युवा हो, तुम्हारा जो ये सिर है वो सामान्य नहीं है, इसकी विशिष्टता को तुम पहचानो। आगे कुत्ते के ही माध्यम से वो समझा रहे हैं, रोटियां खाई कि साहस खा चुका है, कि जब एक कुत्ता रोटी खाता है तो वो सिर्फ अपने स्वामी का दिया हुआ रोटी नहीं खाता, उन रोटियों के साथ वो अपना साहस, अपना स्वाभिमान, सब कुछ खा जाता है। कब जगा रहे हैं कि तुम उस तरह ना बनो, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। कवि कहते हैं प्राण तो उस कुत्ते में भी है, लेकिन क्या है वो, क्या उसके अंदर प्राण है ये पता चलता है? प्राणी है, प्राणी वो है, लेकिन प्राण से जा चुका है, उसकी चैतन्यता जा चुकी है, उसका स्वाभिमान मर चुका है। आगे भी देखे बच्चों और कवि क्या कह रहे हैं, तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। फिर कवि ने आगाह किया और कहते हैं, हे युवाओं, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, तुम अपने महत्व को समझो, अपने मूल को समझो, और तुम इन ग्राम सिंहों में, ग्राम सिंह का अर्थ कुत्ता होता है बच्चों, आपके शब्दावली में, आपके शब्दकोश में शायद ये एक नया शब्द जुड़ रहा हो, ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। तो कवि कहते हैं कि तुम ग्राम सिंहों के बीच में मत खेलो, यहां मत उलझो, तुम अपने महत्व को समझो, क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो, तुम विश्व का अभिमान हो, तुम मस्तानी जवानी हो, तुम अपनी जवानी को इस तरह व्यर्थ नहीं कर सकते। कभी बार 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 और निरंतर जगाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, क्योंकि कभी जानते हैं कि इस धरती पर जोश और ऊर्जा के सबसे बड़े संवाहक युवा ही होते हैं। आइए बच्चों अब इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। बच्चों अब पठित अंश के काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। ध्यान दें, यहां कवि ने युवकों को कायरता और चाटुकारिता से बचकर स्वाभिमान से जीने के लिए सिखाया है, बताया है, कहा है, जिसको अभी आपने पढ़ा, एक कुत्ते के माध्यम से उन्होंने समझाया, बहुत ही रोचक तरीका था, बहुत ही प्रभावपूर्ण था, वही बात यहां बताई जा रही है, श्वान मतलब कुत्ता। तो कवि कहते हैं कि जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, यहाँ कुत्ता उनका प्रतीक है, जो समाज में गंदी मानसिकता के प्रतीक हैं, तो कवि कहते हैं उनके साथ, उनके बीच तुम्हें नहीं रहना है। और यहाँ अंग्रेजों की बात की गई, ये उस युद्ध भूमि में जब हमारी मातृभूमि खतरे में है, उस समय युवकों को जगाते हुए रचना की गई और यहाँ उन्हीं भावों को व्यक्त किया गया। तो युवकों का जगना अपनी माता की सुरक्षा के लिए, जब बच्चों कोई माँ को गाली देता है तो कैसी आत्मा में एक टीस सी उठती है, तो जब आपकी मातृभूमि संकट में है तो आपके अंदर एक टीस उठनी चाहिए, अपना सर्वस्व अर्पित कर देने पर भी अगर माँ सुरक्षित हो तो हमें और आपको हंसते हंसते वो अर्पित कर देना चाहिए। कवि यही बताना चाहते हैं। भाषा परिमार्जित खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, रसवीर गुणोज, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उपमा, छंद मुक्त दुकान। भाव साम्य में बच्चों पंक्तियां आपने बहुत बार सुनी होंगी, बहुचर्चित पंक्तियां हैं, कि कहा जाता है कि अगर हमारा और आपका स्वाभिमान खत्म हो जाए तो हम और आप जीवित नहीं, मृत के समान हैं।
तो यहाँ दो पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की। वो कहते हैं, जिसमें न निज गौरव तथा निज जात का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। कि जो अपने देश के नाम पे अभिमान नहीं करना जानता, गर्व नहीं करना जानता, वो पशु के समान है, वो मनुष्य नहीं है। आइए बच्चों, अब आगे के अंश की तरफ चलते हैं। ध्यान दें, अब कवि क्या बताना चाह रहे हैं, आप में और हमारे अंदर वो क्या जगाना चाहते हैं। पंक्तियां पढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों कि अब कवि क्या कह रहे हैं। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके? लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके? प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके? सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके? वेद की बाणी कि हो आकाशवाणी, बहुत ध्यान से, धूल है जो जग नहीं पाई जमानी। अद्भुत भाग, अद्भुत पंक्तियां जवानी को जगाती हुई, उनके अंदर सो गई हुई चेतना को मचल देने पर, मत देने पर कवि आमादा हैं। और एक से बढ़कर एक उदाहरणों के माध्यम से कवि बार बार मथ रहे हैं, जगा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं उनकी चेतना को कि तुम जगो, तुम्हें आलस्य नहीं करना है। अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके? बच्चों यहाँ लाल लाल दो बार आया है, शब्द एक है लेकिन दोनों के अर्थ पूर्णतः अलग हैं। एक लाल मतलब पुत्र, दूसरा लाल मतलब रंग। अब देखिए कवि क्या कहते हैं, लाल चेहरा है नहीं, यहां रंग की बात की गई कि अगर तुम युवा हो, वीर हो, तो अगर मातृभूमि का अपमान होते देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक तेज, एक ओज, एक लाली नहीं आती है, तो तुम क्या इस मातृभूमि के लाल कहे जाने योग्य हो? कवि ने सवाल किया है। कवि यूं ही नहीं कहते, वो कहते हैं अगर तुम पुत्र हो, अगर तुम लाल हो, तो तुम्हारे चेहरे की लाली कैसे मर सकती है, और अगर तुम्हारे चेहरे पे लालिमा नहीं है तो क्या तुम मानते हो कि तुम मातृभूमि के इस माता के पुत्र हो, इस धरती के पुत्र हो, तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं? तो अगर तुम्हारी मातृभूमि की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो तुम्हारे चेहरे पर एक तेज, एक ऊर्जा, एक लालिमा होनी चाहिए कि मैं हूं, मैं अपनी माता की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत हूं। यही भाव कवि पंक्तियों में भरकर आप में और हमारे अंदर भरना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं, लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके? कि अगर तुम नहीं जग पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो रक्त है वो लाल नहीं रह गया है, वो सफेद हो चुका है। और अगर जो आपका रक्त है वो उष्ण नहीं है, उसमें गर्मी नहीं है, तो तुम क्या हो? तुम शीतल पड़ चुके हो, मतलब तुम कंकाल हो, फिर तुम जीवित नहीं हो। प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके? कवि कहते हैं तुम्हारे अंदर की प्रेरणा, तुम्हारी चैतन्यता अगर सो जाए, तुम किसी के भी ग्रास बन सकते हो, कोई भी तुम्हें अपना आटा और दाल बना लेगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? कवि बार बार सवाल कर रहे हैं, उनके हर सवाल हमारे अंदर हजारों सवाल उठा दे रहे हैं, ऐसा भाव इन पंक्तियों में मिल रहा है। सोचिए कि जिस वक्त ये लिखी गई क्या प्रभाव पड़ा होगा समाज पर, उन युवाओं पर। इसीलिए भारतीय आत्मा के नाम से कवि संबोधित हैं। अगली पंक्तियां बच्चों देखें, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके? ये जो सिर है हमारा और आपका, इस पर हम तिलक लगा लें, तरह तरह के माला धारण कर लें, अपने जो हमारे धार्मिक कर्म कांड हैं उनसे जुड़े हुए सारे कार्य हम कर लें, सभी कर्म कांडों को हम मन से निभा लें, लेकिन इससे हमारे सिर का सौंदर्य नहीं बढ़ता। हमारा तो सौंदर्य तब बढ़ता है हमारे शीश का, जब वो मातृभूमि पर अर्पित हो जाता है, तब इस सिर का, इस शीश का सौंदर्य बढ़ता है। कवि यही बात कह रहे हैं। अगली पंक्तियों में कवि ने अपनी ही रचना को ला दिया और अपनी ही बात को कह दिया, क्योंकि कवि का कर्म सिर्फ मनोरंजन के लिए साहित्य लिखना नहीं होता है बच्चों, कवि का कर्म होता है जन जागरण लाना, समाज की परिस्थिति को देखते हुए अपनी सृजन शक्ति को बढ़ा देना, उस दिशा में मोड़ देना जो प्रासंगिक हो। कवि ने वही किया। कवि अगली पंक्तियों में कहते हैं, वेद की बाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। कवि कहते हैं चाहे वेद की बाणी हो, कि वो कविता व्यर्थ है, चाहे वो वेद की बाणी के रूप में हो या आकाशवाणी, लेकिन जो जवानी को जगा ना पाए, जिसमें चेतना ना ला पाए, जो उसको नई स्फूर्ति से भर न सके,
वो जवानी नहीं है, वो कविता भी कविता नहीं है जो जवानी को जगा न सके, वो तो धूल के समान व्यर्थ है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो कवि बार बार युवाओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार एक ही बात वो तरह तरह के माध्यमों से कह रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इन पंक्तियों के सौंदर्य की, काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। काव्य सौंदर्य पंक्तियां बहुत सरल हैं, सहज हैं, आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी, फिर भी काव्य सौंदर्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों। यहां स्वाभिमान तथा बलिदान का महत्व समझाया गया, त्याग की भावना को ही प्रेम की शोभा बताया गया। बच्चों अक्सर हम सुनते हैं प्रेम, एक ऐसा शब्द जिससे दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो परिचित न हो, लेकिन जब बात प्रेम की होती है तो जो उसका सर्वोत्कृष्ट रूप है वो देश प्रेम ही होता है। कवि यहां लाना चाहते हैं, लेकिन उस प्रेम की शोभा जो होती है वो त्याग से होती है, वो बलिदान से होती है, क्योंकि प्रेम बांधता नहीं है, वो तो मुक्त करता है। मुक्ति का नाम ही प्रेम है। कवि कहते हैं अपनी मातृभूमि पर मर मिटो, सर्वस्व अर्पित कर दो, यही मातृभूमि के प्रति तुम्हारे प्रेम की व्यंजना करता है, यही त्याग है जो बताता है कि तुम्हें प्रेम है, यही उसका सौंदर्य भी है। बाकी बातें आप परिचित हैं, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रवाहमयी ओजपूर्ण रसवीर गुण ओज छंद मुक्त तुकान, अलंकार लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, जब एक ही शब्द दो बार आए अर्थ अलग अलग हो, बच्चों आप जानते हैं वहां यमक अलंकार होता है जैसा कि यहाँ आपके समक्ष प्रदर्शित है। भाव साम्य अनुप्रास अलंकार भी इसमें है। भाव साम्य के लिए कुछ पंक्तियां आप ध्यान दें, बलिदान को महिमा मंडित करते हुए अन्यत्र भी कहा गया है, ये समानता है। जिस भाव को आपने पढ़ा भाव साम्य का अर्थ की वो समानता है, अन्यत्र भी कहा गया त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। अब आगे बढ़ते हैं, ये अंतिम चरण है बच्चों, ध्यान दें कि कवि कहते हैं विश्व है असिका नहीं संकल्प का है, कि किसने तुमसे कह दिया कि ये विश्व जो है तलवार के बल पर चलता है, कि सिर्फ ये अस्त्र शस्त्रों से ही काबू किया जा सकता है, नहीं ये तो संकल्पों का है, हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। कवि कहते हैं कि जितने भी प्रलय आए हैं सबका उद्देश्य यही था कि सब बदल जाए, प्रलय आने का मतलब नवीन संरचना, एक परिवर्तन, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा किए हैं। कवि कहते हैं कि फूल तो झड़ जाता है लेकिन अपने इरादों के बल पे कांटा जो है, जो शूल है वो सिर तान के खड़ा रहता है परिस्थितियां कैसी भी हो, और इसी स्वाभिमान के बल पे वो फूलों को भी नीरस कर देता है। खून हो जाए न तेरा देख पानी मरण का त्योहार जीवन की, बहुत बड़ी बात बच्चों। कवि कहते हैं कि तुम देखो कहीं तुम्हारा जो खून है वो पानी न हो जाए, इसलिए इस जीवन की जवानी के अर्थ को समझो। जीवन में जवानी अर्थात वो पक्ष, वो भाग, वो समय जिसमें मरण त्योहार बन जाता है, जिसमें मरण उत्सव बन जाता है, वो पक्ष जीवन का जो होता है उसे जवानी कहते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने दृढ़ संकल्प से ही क्रांति लाई जा सकती है बात बताई। नवयुवक अपने प्राणों का बलिदान करके विश्व का नव निर्माण कर सकते हैं, बाकी चीजें वही रस भाषा सब आप परिचित हैं। संपूर्ण पद्य में उपमा और अनुप्रास है बच्चों। व्याख्या का प्रारूप आप जान लें, पहले हम संकेत देते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि कहां से कहां तक का वर्णन हम कर रहे हैं, फिर संदर्भ देते हैं। प्रस्तुत व्याख्या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से चतुर्वेदी जी देश के युवा वर्ग को उत्साहित कर रहे हैं कि वह देश की वर्तमान परिस्थिति को बदल दें। कुछ कठिन शब्द भी इस पाठ के अंतर्गत आए जिनके अर्थ आप जान लें बच्चों। एक शब्द आया था विधवा, जिसका पति मर गया हो, लेकिन बच्चों यहाँ विधवा का अर्थ निस्तेज होने से, अपना तेज खो देने से, ये अर्थ यहाँ स्वीकार किया जाएगा। आली का अर्थ सखी, ग्राम सिंह का अर्थ कुत्ता, जैसे मैंने पढ़ाते समय बताया कि ग्राम सिंहों मतलब यहाँ कुत्तों, मेघ मतलब स्तंभ, असि तलवार, कायाकल्प का अर्थ होता है पूर्ण परिवर्तन क्रांति। आइए बच्चों आखिरी पड़ाव की तरफ आते हैं, मूल्यांकन, जो ये बताता है कि हमने और आपने क्या जाना, क्या पाया, क्या सीखा। इस पाठ के अंतर्गत, इस कविता के अंतर्गत आप जवानी कविता के माध्यम से कवि किसे संदेश दे रहा है और क्यों, ये अपने शब्दों में लिखें। संप्राप्ति, हमने और आपने आज जवानी के वास्तविक अर्थ को जाना। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।